हे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप लोग यूपी एनएचएम सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए दोस्तों ईबुक लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, यूपी एनएचएम ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग दोस्तों यहाँ पर बाय कर सकते हो। आपको बता दें यहाँ पर जो है इस ईबुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दोस्तों यूपी एनएचएम सीएचओ 2800 प्लस का यहाँ पर 4 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ यूपी एनएचएम 2700 प्लस एंड 1400 प्लस का ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और इस यहाँ पे ईबुक में दोस्तों पीडीएफ में आपको 6 प्लस क्वेश्चन पेपर्स जो कि बिल्कुल ऑफिशियल रखे गए हैं, आप लोग जो है इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो जाके जल्दी से बाय करो और आप लोग क्वेश्चन पेपर्स देख लो किस टाइप के क्वेश्चन जो है सीएचओ ऑफिसर में पिछली बार पूछे गए थे। हे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती 2022 दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से सीएचओ ऑफिसर की 5505 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त और नई अपडेट निकल के आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे हो कि क्या सर 25 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। अगर 25 अगस्त को एग्जाम होगा तो दोस्तों एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, मॉक टेस्ट कब जारी किया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे कमेंट आ रहे कि सर क्या 11 सितंबर को एग्जाम होगा। अगर दोस्तों 11 सितंबर को एग्जाम होगा तो एम्स नॉर्सेट 2022 का एग्जाम होने वाला है, तो मेरा एग्जाम जो है छूट जाएगा यूपी एनएचएम सीएचओ का। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, तो दोस्तों एक एक करके जो है आपके सारे क्वेश्चन के जो भी यहाँ पे आपने कमेंट किया है दोस्तों मैं रिप्लाई देने वाला हूँ इस वीडियो में, और दोस्तों बताने वाला हूँ कि कब आप लोगों का एग्जाम होगा। तो यह बहुत ही जबरदस्त दोस्तों वीडियो होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो लाइक कर दो। अभी आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए दोस्तों 25 अगस्त को एग्जाम होगा यह अभी दोस्तों बिल्कुल कंफर्म नहीं है। जी हां, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जो है दोस्तों सीएमओ से यहाँ पे संपर्क किया था, लेकिन अभी दोस्तों आप लोगों का 25 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर दोस्तों 25 अगस्त को एग्ज़ाम होता तो अब तक आप लोगों का दोस्तों एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाता, साथ ही दोस्तों आप लोगों का जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट भी जारी कर दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी आप लोगों का 25 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आज है 15 अगस्त, आज से दोस्तों 10 दिन बचे हैं 25 अगस्त को। लेकिन अभी दोस्तों आपको बता दें कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम जो है 25 अगस्त को नहीं होगा, क्योंकि अब तक आप लोगों का दोस्तों एडमिट कार्ड यहां पे जारी कर दिया जाता। क्लियर है? तो 25 अगस्त को एग्जाम नहीं होगा। अब यहां पे दूसरा पॉइंट नोट कर लो दोस्तों, 11 सितंबर तो बहुत सारे बोल रहे कि 11 सितंबर को एग्जाम होगा, तो एम्स नॉर्थसेट 2022 को दोस्तों एग्जाम होने वाला है 11 सितंबर तो 11 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा। लेकिन हां दोस्तों मैं आपको बता दूं, सितंबर 100% आपका एग्जाम होगा, सितंबर में 100% आपका एग्जाम होगा, लेकिन 11 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपका 25 अगस्त को एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आप लोग अगस्त बिल्कुल लास्ट मान के चलो, लास्ट अगस्त आप लोग मान के चलो, या आप लोग जो हैं लास्ट सितंबर मान के चलो, अक्टूबर आपका नहीं लगेगा, सितंबर तक दोस्तों आपका 100% एग्ज़ाम होगा। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि एम्स नॉर्थसेट का ना ही एग्ज़ाम होगा। बस आप लोगों का दोस्तों जैसे कि 15 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, तो 15 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, उस दिन आपका किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर नहीं होगा, आप ही का पेपर होगा, जिसे आप लोग बड़े आराम से पेपर दे सकते हो। तो जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 11 सितंबर को एग्जाम होगा तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा एग्जाम जो है एम्स का होने वाला है, एम्स नॉर्थसेट का। तो मैं आपको बता दूं 11 सितंबर को जो है एम्स नॉर्थसेट का ही एग्जाम होगा, सीएचओ का एग्जाम नहीं होगा। सीएचओ का दोस्तों सितंबर के लास्ट तक जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जल्दी दोस्तों हम लोग जो है क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल एरर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्लासेज थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन दोस्तों हम लोग जो है उसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, तो थोड़ा यहां पे वेट करिए। 17 अगस्त से दोस्तों आप लोगों के यहां पे क्लासेज जो है स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको बता दें डेली आपके जो है 5 से 6 घंटे क्लासेज लिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को यूपी एनएचएम सीएचओ एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।